हम यह बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की नहीं करेंगे बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार और जानते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में कुछ खास। स्वास्तिक का आविष्कार आरों ने किया और पूर्व विश्व में फैल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक अपने आप में एक पिरामिड है। एक कागज का स्वास्तिक बनाए और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए। इसे करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। मिस्र के पिरामिड की तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिड का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासवादी के अबूझ पहलू को नहीं जान पाए कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया जाता है। ये अजरत की बात है कि हजारों साल बाद तक ये पिरामिड सुरक्षित है और इनकी चमक बरकरार है। खैर, आप जानिए आधुनिक समय में कहां कहां बने हैं पिरामिड। लॉस वेगस में 4000 कमरों वाले होटल लग्जर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस के लोअर में शीशे का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिड चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी तक अच्छे से सुरक्षित, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ है जो मकबरे में बदल गए। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। लगभग 4000 वर्षों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही है।